पश्चिम बंगाल में शिक्षा भर्ती घोटाले मामले में कैबिनेट मंत्री पार्थ चटर्जी हुए गिरफ्तार। देश में बीते 24 घंटे में 21,411 नए कोरोना केस आए सामने, 67 लोगों की हुई मौत। सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली में झारखंड की टूरिज्म पॉलिसी का करेंगे शुभारंभ। भरतपुर में अवैध माइनिंग के खिलाफ आत्मदाह करने वाले साधु की इलाज के दौरान हुई मौत। उधर प्रदेश के हाथरस में ट्रक ने कावड़ियों के एक जत्थे को रौंदा, 6 लोगों की हादसे में हुई मौत। तेलंगाना के सिकंदराबाद में भारी बारिश के बाद सड़कों पर घुटनों तक भरा पानी। यूक्रेन को खुद के बनाए हुए लड़ाकू जेट दे सकता है अमेरिका। वोडाफोन आइडिया ने अक्षय मुंद्रा को बनाया सीईओ। राजस्थान में 2 साल बाद होंगे छात्र संघ के चुनाव, सीएम गहलोत ने दी हरी झंडी। लगातार 3 फिल्मों के बाद शमशेरा यशराज की चौथी फ्लॉप फिल्म हुई साबित,